सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक केसेस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाज़ुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल होंगी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस सदर मीन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार, पीटीआई और दीगर ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दायर की थी और मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा और अदालत ने अटर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस अतर मीन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे।